नमस्कार। आज मैं आपको एक घरेलू उपचार बताने वाला हूं जिससे आप 60 की उम्र में 30 की जवानी पाओगे, आपकी सेक्सुअल पावर अच्छी बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट जागृत रहेगा और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। चलो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अधिनियम महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे ही अपनी बॉडी थकना शुरू हो जाता है। एक तो बीमारियां लगने लगती है, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, पेट का दर्द, हड्डियों का दर्द, थकान जल्दी आना, जीना चढ़ते नहीं आना, उतरते नहीं आना जल्दी जल्दी, मूवमेंट स्लो हो जाना, नींद कम होती है, आदमी थक जाता है शाम को। करीब करीब 60 साल के उम्र तक 40% 40% मसल मास नाइज है ना, वो कम हो जाते हैं और 20% बोन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है बूढ़े लोग हैं उनको। और जो दिखता है वो फैट दिखता है, सेंटर बेली जो है बेली, पेट मोटा दिखता है, हाथ पैर पतले दिखते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिकार शक्ति प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, बीमारियाँ जल्दी लग जाती, डायबिटीज़ कॉमनली होता है, ब्लड प्रेशर तो बहुत ही कॉमन है। और विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इसकी कमी हो जाती है, खाना कम हो जाता है। अर्थात फिर होता क्या है कि यदि आप कमाते नहीं हो तो और प्रॉब्लम आता है। आपका बेटा है उसके ऊपर यदि आप डिपेंड है और बेटे के बच्चे हैं, तभी आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ सुनानी चाहता हूँ मैं कि बेटा जो था उसका पिताजी 65 साल का अंदाजन है, उसको बीमारी होगी, बुखार हो गया। और ये बेटा जो उसके बेटे को भी जो 5 साल का है उसको भी बुखार आ गया। अब इसके पास में लिमिटेड रिसोर्सेस है, पैसे लिमिटेड है। अभी इसने सोचा है कि मैं पहले बाप को ले जाऊं कि पहले बेटे को ले जाऊं डॉक्टर की तरफ। वो बेटे को लेकर जाने के लिए निकला, बाप ने बोला मुझे भी बुखार आ गया, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तो बेटे ने अपने बाप को कहा कि बापू मैं तुम्हारे लिए अभी पैसा खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। देखो आजकल कैसी ज़िंदगी बदल गई है, कैसा जीवन ही बदल गया है, अपना खुद का बेटा ही क्या बोलेगा। तभी इसके लिए फिर आपने क्या करना जरूरी है, आपने पहले से फिट रहना जरूरी है। सभी ऑर्गन्स का फंक्शनिंग स्लो हो जाता है, तो आप पहले से यदि फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, तो 55-60 की उम्र में भी आप फिट रह सकते हैं, 65-70 की उम्र में भी आप फिट रह सकते हैं। क्योंकि उम्र में वैसा भी सेक्सुअल पावर कम होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है, लिंग का थोड़ा सा सिकुड़ना हो जाता है, टाइम फ्री रहता है, इच्छा होती है कभी कभी सेक्स करने की मगर इरेक्शन नहीं होता, फिर ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस है, टेंशन है, और फिर लिंग जैसा सिकुड़ा दिखा, छोटा दिखा, तो फिर और टेंशन आता है। तो फिर इसमें करना क्या, ये सवाल है। तो आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा बोला जाता है कि आप पहले प्रिवेंट करो, उसको आने ही मत दो। अब आएंगा तो सही मगर जितनी कम बीमारियां आपको लग सकती, जितने आप फिट रह सकते हैं तो आप मरने के समय भी फिट मरेंगे। बीमारियों से बेड के ऊपर लेटे हैं, आपका बेड पे ही सब हो रहा है, ये नहीं होगा। और आप आखिरी दिन तक सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकोगे, आखिरी दिन तक सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकोगे। तो फिर करना क्या है, तो मैं आपको ऐसे 10 आइटम बताता हूँ, 10 आइटम्स कि जो जिसकी पाउडर आप बना के 1 चम्मच दूध में रोज डालते हैं, थोड़ा गुनगुना सा गर्म दूध, और सुबह शाम लेते हैं 1-1 कप, तो आप बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। तो चलो आइए बात करते हैं। नंबर 1 में है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर करकुमिन। मैं तो रोज हल्दी पाउडर और गुड़ की छोटी छोटी गोलियां, छोटे छोटे लड्डू हमारे घर में बनते हैं ऐसे, इतने से रोज खाता हूँ, हल्दी पाउडर नंबर 1। नंबर 2 अश्वगंधा। हल्दी पाउडर से क्या होता है, हल्दी पाउडर से बदन की सूजन कम होती है। नंबर 2 अश्वगंधा, अश्वगंधा से तनाव कम होता है, स्ट्रेस और वाइटालिटी, एनर्जेटिक लगता है, एंथुजियास्टिक लगता है। नंबर 3 ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी पाउडर से क्या होता है कि ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा रहता है, अलर्टनेस अच्छा होता है, मेमोरी अच्छी रहती है। नंबर 4 आंवला पाउडर। आंवला पाउडर जो है उसमें आंवला में क्या होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और स्नायु फंक्शनिंग जो है उससे बहुत अच्छा रहता है, मसल फंक्शनिंग। नंबर 5 जो है वो दालचीनी। दालचीनी से सूजन कम होती है, ब्लड फ्लो जो है बॉडी का बहुत अच्छा रहता है। नंबर 6 सूखा अदरक। सूखा अदरक जो है, मतलब सुंठ कहते हैं उसको,
तो उसकी पाउडर। नंबर 7 मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर है उसमें हड्डियां मजबूत करने की क्षमता है, गुणवत्ता है। नंबर 9 लाइकोरिस पाउडर, जिसको ज्येष्ठमध बोलते हैं, मुलेठी या ज्येष्ठमध, मराठी में ज्येष्ठमध बोलते हैं उसको, लाइकोरिस पाउडर। नंबर 9 हरी इलायची। तो ये सब जो है इसके साथ, इसकी पूरा एक 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 चम्मच लेना है, छोटा चम्मच, एक एक चम्मच सबका लेना, शहद में मिलाना, एक कप दूध उसमें डाल देना और गुनगुना सा दूध। तो ये 9 आइटम्स है, इसका आधा आधा चम्मच सभी आइटम का लेना है, आधा आधा चम्मच लेना, छोटा चम्मच, आधा आधा चम्मच दूध में डालना, गुनगुना सा दूध, थोड़ा लुकवार्म दूध लेना है, उसमें ये आधा आधा चम्मच सभी का डाल देना है, घोलना है उसको, थोड़ा टेस्ट आने के लिए थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। और यह सुबह एक कप और शाम को एक कप दूध आप लेते हैं रोज, तो आप बहुत ही फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। अच्छा, फिर ये सिर्फ लेके होगा क्या? ये होगा ही, मगर उसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है नंबर 2 बैलेंस डाइट। ज़्यादा से ज़्यादा सैलड और फ्रूट्स और प्रोटीन ये ज़्यादा खाना है। प्रोटीन में सब तरह की दालियाँ, बीन्स, अंडा खा सकते हैं तो अंडे, या अपना चीज़ या पनीर खा सकते हैं, फिश जो नॉन वेज है वो बहुत अच्छा है। बैलेंस डाइट नंबर 2 एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट तक बहुत ज़रूरी है। हॉबी परस्यू करना, हॉबी से दिमाग बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है, शांत रहता है। नींद, अभी क्या होता है कि जैसी उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे नींद कम हो जाती है, मतलब 6 से 7 घंटे नींद आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और कुछ भी बैड हैबिट्स नहीं, मतलब ड्रिंक्स नहीं, अल्कोहल नहीं, तंबाकू, सिगरेट, पान बीड़ी, कुछ भी नहीं। तो ये आप आदतें अच्छी लगाते हैं, एक्टिव रहते हैं। देखो क्या होता है कि आप बूढ़े बन जाते हैं करके काम बंद नहीं करते, आप काम बंद करते हैं करके बूढ़े बन जाते हैं। तो एक्टिव रहना है। मैं अभी 70 ईयर्स का हूँ और अभी भी मैं 16-16 घंटे रोज काम करता हूँ, और बैलेंस डाइट एक्सरसाइज इससे मैं एकदम फिट हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ। मेरी मदर अभी 92 ईयर्स की है और वो अभी भी एक्टिव है, अभी भी खाना पकाती है, चाय बनाती है, नाश्ता करती है। तो एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। मेरे मदर का खाना जो है बैलेंस डाइट है, मेरा खाना बैलेंस है, हम एक्सरसाइज करते हैं और बहुत तंदुरुस्त है। तो इस तरह का ही आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स पावर भी बढ़ेगा, सेक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका बेली फैट कम हो जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे तो। भाई जैसी उम्र बढ़ते जाएंगी, 60-65 साल के होंगे तो हफ्ते में एक बार किया तो भी चलता है, क्योंकि हमारे देश में औसत, मतलब साल में लोग 50 से 60 बार, एवरेज में बोल रहा हूँ, 50 से 60 बार लोग सेक्स करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं, तो हफ्ते में एक बार किया तो भी बहुत है। और वो भी प्रॉब्लम है समझो आपको, तो मैं जिस तरह से ये बाकी बताया वो, और ये पाउडर और ये सब खाते हैं तो आप नायग्रा जैसी सिलगाना फील, अगरना फील, पूरी दवाई आप खा सकते हैं। और बाद में जिसमें ज़्यादा अर्जिनिन है, अर्जिनिन का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वो दवाइयाँ आप खाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।